आइए दोस्तों समझते हैं कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल किसको कहते हैं। जब दोस्तों कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पर हमारे पास जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझते हैं कि अगर कोई भी ट्राइंगल जिसकी सेम साइज होगा और उसका दोस्तों सेम शेप होगा तो हम उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। इसका मतलब अगर हम शेप की बात कर रहे हैं तो उसके जो एंगल्स होंगे ट्राइंगल्स के वो सेम होंगे। और साइज ऑफ ट्राइंगल मतलब जो साइज है किसका, साइज ट्राइंगल की लेंथ का, ट्राइंगल की साइड का, वो भी सेम होगा। उस टाइप के ट्राइंगल्स को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। दोस्तों हमारे पास ये दो ट्राइंगल रखे हुए हैं, इसका हम नाम दे देते हैं ट्राइंगल नंबर ए, ट्राइंगल नंबर ए और ट्राइंगल नंबर बी। इन दोनों ट्राइंगल में गौर कीजिए, ये एक दूसरे की मिरर इमेज के फॉर्म में रखे हुए हैं। ये वाला जो वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, ये जो एंगल है दोस्तों ये देखिए सेम है, ये वाला एंगल इसके सेम है और ये वाला एंगल देखिए दोस्तों इसके सेम है। तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो शेप में, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, शेप में ये ट्राइंगल सेम है और साइज में देखिए दोस्तों अगर ये लेंथ इसके बराबर है, ये वाली लेंथ इसके बराबर है और ये थर्ड लेंथ जो है दोस्तों वो इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये ट्राइंगल जो इनका साइड्स है वो भी दोस्तों यहाँ पे सेम है। और ये अगर दोनों चीजें सेम होगी तो मैंने कहा था ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमने ये सीखा जो दोनों ट्राइंगल हैं, जो दो हम सेट ऑफ ट्राइंगल लेते हैं, अगर उनके एंगल्स शेप मतलब एंगल्स और अगर उनके साइड्स दोनों सेम हो गए तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सिंबल बताता हूं इसका क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी दोस्तों हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इक्वल लिख देते हैं और ऊपर एक इस तरह से एक zigzag एक शेप बना देते हैं। तो अगर हम बोले ट्राइंगल ए है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी के, तो ए और बी के बीच में ये वाला जो सिंबल है ये आ जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी। आइए इसकी और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। दोस्तों जब हम कॉन्करेंसी की बात करते हैं तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझने के लिए जैसे हम एक रोड साइड का व्यू ले लेते हैं। देखिए रोड में बेसिकली बीच में देखिए कुछ तरह के स्टेप्स बने होते हैं वाइट कलर से, ठीक है। इन स्टेप्स से थोड़ा ये पता चलता है कि ये वाली गाड़ी इधर जाएगी और ये वाली गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। बट दोस्तों जो बीच के स्टेप्स हैं आप गौर करिएगा, ये सेम होते हैं, इनकी शेप सेम होती है और दोस्तों इनके जो एंगल्स हैं, जैसे इसमें चार एंगल है, वो भी सेम होते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे एग्जैक्टली दिखने में सेम होते हैं, इनका साइज एंड शेप दोनों का दोनों सेम होता है। तो हम कह सकते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी की हमने जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रैक्टिकल लाइफ से भी ले ली कि कॉन्ग्रुएंसी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, जो भी कोई शेप होगी वो रिपीटिवली अगर सेम बनती चली जाएगी, हमारे पास अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रोड में हमने देखा हमें सेम शेप चाहिए इस रेक्टेंगल की, तो देखिए दोस्तों ये कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सारे के सारी शेप्स कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, दोस्तों बिल्कुल साइज एंड शेप में परफेक्टली डिफाइन है, परफेक्टली सेम है। आइए दोस्तों अब हम कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं कॉन्ग्रुएंसी की जो हमें अंडरस्टैंड कराती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हुए तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लगेंगी और वही प्रॉपर्टीज हमें सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल को करने में काम आती हैं। आइए दोस्तों सीखते हैं कंडीशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली जो कंडीशन आती है उसका नाम होता है दोस्तों एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। इस केस में दोस्तों क्या होता है, अगर मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं दो ट्राइंगल लेता हूँ तो इन दो ट्राइंगल में साइड, उनके बीच का एंगल ए और फिर से साइड, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये आपस में सेम है। इसका मतलब इन ये जो तीनों हैं एस ए एस साइड एंगल साइड, इनकी साइज और शेप सेम है। कहने का मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी सी पी क्यू आर, दो ट्राइंगल है मेरे पास, एंगल बी जो है वो सेम है एंगल क्यू के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, जो साइड है दोस्तों ये वाली जो साइड है ए बी वो सेम है साइड पी क्यू के, बी सी जो साइड है दोस्तों वो सेम है क्यू आर के। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसमें ये जो
दोस्तों इसमें जो कंडीशन है एस ए एस की वो क्या होती है, वो सक्सेसफुल होती है। एक एंगल सेम हो जाता है, दो साइड्स इसकी सेम हो जाती हैं, तो अगर दो साइड सेम होगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों तीसरी साइड ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। जैसी तीसरी साइड सेम हुई तो वो एंगल है बिल्कुल परफेक्टली, उसकी जो शेप है दोनों की सेम होगी और जो साइज है दोस्तों वो सेम हो ही गया, क्योंकि देखिए तीनों की तीनों साइड उसकी सेम हो गई। तो ये कंडीशन अगर हमें मिलती है जहाँ पर साइड एंगल और साइड सेम है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर की। ये दोस्तों एक सबसे पहली कंडीशन इसमें हमें देखने को मिलती है। आइए दोस्तों और दूसरी कंडीशन सीखते हैं। दोस्तों दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है, दूसरी जो कॉन्ग्रुएंसी की हमारे पास प्रॉपर्टी है वो होती है एंगल साइड एंगल। यहाँ पर मेरे पास दो एंगल्स आ गए हैं और यहाँ पर मेरे पास एक साइड आ गई है। जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी उसमें दो साइड्स थी और एक एंगल था, यहाँ पर दो एंगल है एक साइड है। आइए इसको देखते हैं फिगर में किस तरह से दिखता है। ये हमने एक बेसिक डायग्राम ले लिया, इसका नाम दे देते हैं ट्राइंगल का। गौर कीजिए अगर मैं दो एंगल लेता हूँ, कोई भी दो एंगल लेता हूँ, मान लेते हैं मैं एंगल बी ले रहा हूँ यहाँ पे सी, और दूसरे ट्राइंगल में मैं एंगल क्यू और आर ले रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूँ एंगल बी सेम हो गया एंगल क्यू के, एंगल सी सेम हो गया एंगल आर के, ये कंडीशन मुझे मिल गई। और दोस्तों इनके बीच की जो साइड है, देखिए एस बीच में आया है तो साइड जो है ये वाली इसके बराबर हो गई। इसका मतलब बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर हो गया। अगर मुझे इस तरह की कंडीशन मिलती है तो मैं कह सकता हूँ ए एस ए कंडीशन होगी और ये दोस्तों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम कह सकते हैं अगर कभी भी कंडीशन सक्सेसफुल होगी, दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इनके जो शेप हैं और इसकी जो साइज हैं वो दो साइड्स हैं वो आपस में सेम हो जाएंगी। तो दोस्तों ये हुई दूसरी कंडीशन जहां पर हम ए एस ए मेथड से कॉन्ग्रुएंसी चेक कर सकते हैं। आइए और देखते हैं इसके बारे में, हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी। इसमें क्या होता है, एक एंगल दो एंगल एक साथ लगे होंगे और साइड जो है वो कोई भी थर्ड साइड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इन एंगल्स के बीच का साइज हो। जैसे पीछे मैंने दिखा था ए एस ए में जो साइज थी वो इन एंगल्स के बीच की थी, बट इसमें ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें, ट्राइंगल्स का नाम दे देते हैं ए बी और सी, यहाँ पे पी क्यू और आर, एंगल ले लेते हैं, एंगल जो बी है वो सेम है एंगल क्यू के, एंगल सी जो है एंगल आर के सेम है, साइड ले लेते हैं ए बी जो कॉमन है दोस्तों वही पी क्यू की लेंथ है। इसको अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें तो एंगल बी को मैं लिख सकता हूँ एंगल क्यू, एंगल सी को मैं लिख सकता हूँ एंगल आर, और ए बी जो है दोस्तों साइड वो बराबर है पी क्यू की लेंथ के। इसका मतलब अगर ये सक्सेस होता है तो मेरे पास ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है और ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल हो जाते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर के। इसका मतलब अगर मुझे ये कंडीशन कहीं भी मेट हुई तो मैं फट से बोल सकता हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करती है और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मुझे और बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इन किसी भी कंडीशन को सक्सेस देख पाता हूँ तो मैं कॉन्ग्रुएंसी को भी देख पाता हूँ। ये दोस्तों इसका बेसिक मतलब होता है। आइए दोस्तों फोर्थ टाइप की कॉन्ग्रुएंसी सीखते हैं। दोस्तों इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है साइड साइड साइड। यहाँ पर कहने का मतलब है अगर मेरे पास साइड ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हैं। कहने का मतलब ये है अगर मैं ए बी बराबर करूँ पी क्यू के, बी सी बराबर करूँ क्यू आर के और ए सी बराबर करूँ दोस्तों पी आर के, तो मैं कह सकता हूँ ये जो ट्राइंगल हैं दोनों वो एस एस ए कॉन्ग्रुएंट से कॉन्ग्रुएंसी को सक्सेस बनाते हैं और ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो कहने का मतलब ये है अगर मुझे ये कंडीशन भी कहीं मेट होती है कि ये तीनों के तीनों साइड्स जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के सेम हैं तो ये दोनों ट्राइंगल दोस्तों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट ए एस साइड एंगल साइड, दूसरी वाली थी हमारे पास ए एस ए एंगल साइड एंगल, तीसरी थी हमारे पास एंगल एंगल साइड, फोर्थ थी हमारे पास साइड साइड साइड, फिफ्थ थी दोस्तों हमारे पास साइड साइड और एंगल। ये पांचों कंडीशन अगर आपको कहीं भी मिलती है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे।
दोस्तों एक और हमारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी है। मान लेते हैं कोई हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है कि ट्राइंगल ए बी सी ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, दोस्तों हम इससे क्या चीज़ ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले तो गिवन था कि क्या क्या हमारे पास साइड्स वगैरह होती हैं, एंगल्स होते हैं, और हमें कॉन्ग्रुएंसी ड्राइव करनी थी, जैसे कि हमने यहाँ पे पूछा। बट अगर हमारे पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी गिवन है, ठीक है, तो हम क्या इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं? दोस्तों हम इससे कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जो दोनों ट्राइंगल हैं इनकी तो एक तो सेम साइज है, ठीक है, इसका मतलब सेम एंगल्स हैं, सेम शेप है इसकी, ठीक है, और दोस्तों इसका जो है वो सेम साइड्स हैं, साइड्स भी इसकी सेम है, उनकी लेंथ जो है वो भी सेम है, और उनके जो एंगल मैंने आपको बताया वो तो सेम है ही है। तो इससे हम दोस्तों क्या ड्राइव करेंगे वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इसी फैशन में हम ड्राइव करेंगे। देखिए ए बी बराबर होगा पी क्यू के, देखिए जिस तरह मैं बार मार्क कर रहा हूँ इसी तरह से कॉन्ग्रेंस एग्जिस्ट करेगी। ए बी लेंथ बराबर होगी पी क्यू लेंथ के, बी सी बराबर होगी क्यू आर के, बी सी बराबर होगी क्यू आर के, और ए सी जो लेंथ बराबर होगी वो होगी पी आर के, ए सी लेंथ बराबर होगी वो होगी पी आर के। ये एक सेट ऑफ कंडीशंस होगी। दूसरा जो है दोस्तों एंगल, ए एंगल बराबर होगा पी एंगल के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। दूसरी कंडीशन मेरे पास ये हो गई। तो ये दोनों कंडीशन दोस्तों जब मुझे मिली तो मैंने कह दिया कि जो कोई भी चीज़ दो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी तो हम इस तरह की डेरिवेशंस इन ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, और ये दोस्तों हमें काफ़ी काम आता है जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर गिवन होती हैं, क्वेश्चन में हमें दी होती हैं। काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है। हम रिवर्स वे में इसको सोच रहे हैं, पहले हम सिंगल वे में सोच रहे थे, अब हम रिवर्स वे में यहाँ पर इसको लेके आए हैं। दोस्तों ये एक बेसिक थिंकिंग होती है, किसी भी क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि गिवन आपको कुछ भी दिया सकता है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से होनी चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन में होनी चाहिए। कुछ आपको गिवन होता है तो आपको क्या ड्राइव करना है, और अगर आपको क्या ड्राइव करना है वही गिवन है तो किस तरह से आप उसको समझेंगे। दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है कॉन्करेंसी का। आई होप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लगी होगी। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।